और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो गाइस आप लोगों को पता होगा कि गाइस हमारा जब ये गेम जो है लॉन्च हुआ था, तभी गाइस बहुत सारे कार फॉर सेल जैसे गेम्स जो है, बहुत ही ज्यादा गेम्स जो हमारे प्ले स्टोर में आ चुके थे, बहुत सारे गेम लॉन्च हो चुके थे। पर गाइस उसके बाद ये हुआ कि जितने भी गेम्स जो एंड्रॉइड में लॉन्च हुए थे वो कॉपी वर्जन थे। तो गाइस वो सारे के सारे जो है इजीली गाइस वो गेम्स को बैन कर दिया गया था। ये गेम भी बैन होने वाली थी, पर हमारे गेम के डेवलपर ने ऐसा कुछ किया। आपको पता होगा अगर आप पुराने इस गेम का अगर गाइस सब खेलते हो ना पूरा बहुत पहले से, तो गाइस आपको ये पता होगा कि गाइस हमारे ऑफिस के आगे इस पहले जो है गैरेज रह करता था, जिसके पास अपन अपनी कार को पेंटिंग करा सकते हैं, कार को अपन इजीली जो है ट्विनिंग करा सकते हैं, उसके साथ साथ रिपेयरिंग भी करा सकते थे। पर गाइस कुछ जो है हमारी गेम के डेवलपर ने, इनको ऐसा लगा कि हमारी गेम बैन ना हो जाए, उसके वजह से इन्होंने जो है गैरेज जो है वो थोड़ा बहुत लेफ्ट साइड में रख दिया था। पर गाइस अब जो है उन्होंने जो है जल्दबाजी में अगर गाइस हमारी गेम जो है बैन ना हो जाए उसके लिए उन्होंने गलती से, मतलब गाइस बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में जो है हमने जो अपना गैरेज को जो बिल्ड किया था ना वो बहुत ही ज्यादा घटिया बनी थी, तो हमने जो ऐसे नॉर्मली रख दिया था ताकि गाइस, क्योंकि गाइस एक दो दिन के बाद ही जो है उनके जो है गेम जो है बैन होने वाली थी, उनसे पहले जो है इन सारे ने अपडेट्स लाकर जो है थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए, तो इसी वजह से जो ये गेम बैन नहीं हुई थी। तो गाइस अब जो है गेम का डेवलपर ने ये बोला है कि वो जो गैरेज है ना वो हट जाएगी, उसके जगह पे एक रीबिल्ड गैरेज आएगी। क्योंकि गाइस अभी आप लोगों को पता होगा कि अभी वाली जो गैरेज है ना वो बहुत ही ज्यादा घटिया दिखती है यार, अंदर से तो अच्छी है पर गाइस बाहर से बहुत ही ज्यादा गंदा है, अलग ही बिल्डिंग जैसा दिखता है और छोटा हाउस जैसा लगता है, और पूरे अंदर जाने के बाद जो अपन को रिपेयर कराने के लिए ना बहुत ही ज्यादा अंदर जाना पड़ता है और बहुत ही ज्यादा घटिया भी लगता है। तो वापस उनको जो है गैरेज जिस प्लेस में था वापस उसी प्लेस पे लाना है, और इनको जो है गैरेज को जो है अच्छा कोई डिजाइन देना ताकि गाइस अगर वापस जो अगर ये गेम बैन होने के चांसेस जो है बहुत ही ज्यादा कम हो जाए, सेम टू सेम रियल कार फॉर सेल बनाने के जैसे सेम टू सेम बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि गाइस अभी जो है कोई भी बैन वाला जो है वापस सिस्टम वो चला चुका है, अभी अगर आप कुछ भी कर लो इस गेम के अंदर सेम टू सेम अपडेट्स भी लाओ तो गाइस अब जो है गेम बैन नहीं होगा। क्योंकि गाइस अभी ये बहुत ही ज्यादा वायरल हो चुका है, कम से कम गाइस 1 करोड़ प्लस जो है डाउनलोड्स भी हो चुके इस गेम के, तो गाइस बहुत ही अच्छी बात है। बाकी तो गाइस ये गेम बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मेरे को तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। तो गाइस अब मैं आप लोगों को जो है कल वाले वीडियो में ये बताऊंगा हमारे गेम के अंदर जो है कौन से फ्यूचर अपडेट्स आने वाले, फ्यूचर अपडेट्स बहुत ही खतरनाक वाले आने वाले। और गाइस कल वाली वीडियो को भी बिल्कुल भी स्किप मत करना, और बिल्कुल भी गाइस मतलब गाइस बिल्कुल भी उसको गाइस ऐसे गाइस बिल्कुल भी स्किप भी मत करना, और उसको गाइस छोड़ना भी मत, क्योंकि कल वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है। आप लोगों को फ्यूचर अपडेट्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि गाइस हमारे गेम के डेवलपर ने तो नहीं बताया, पर गाइस मैं अपने आप से ये सोचता हूं कि ये अपडेट्स आएंगे, पर थोड़ा बहुत क्लू जो हमारे गेम के डेवलपर ने हमको दिया था कि ये सारे अपडेट्स आ सकते हैं, तो उसी के बारे में आप लोगों को कल वाली वीडियो में लीक करने वाला हूं। तो कल वाली वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और उसको बिल्कुल भी छोड़ना मत, पूरा का पूरा वीडियो को जो है एंड तक देख लेना। गाइस अब बात करते हैं कि ये अपडेट कब आती है हमारी न्यू गैरेज की। तो गाइस वो ये अपडेट है ना, ये नॉर्मली गेम के डेवलपर ने ऐसा बोला है कि इसकी भी अपडेट आएगी, पर इसको थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। क्योंकि गाइस वो जो अभी एक काम है, वो काम ये है कि हमारे गेम के अंदर जो स्पीड टेस्ट, ट्रैफिक और उसके साथ साथ 4 या नहीं तो 5 रेयर सुपर कार्स जो थे ना उसके बारे में जो है वो काम कर रहे हैं। मतलब कि गाइस जैसे वो आएगी ना उसके बाद जो ये सारे अपडेट्स आएंगे। गेम के डेवलपर ने ये बोला है पहले स्पीड टेस्ट आएगी, स्पीड टेस्ट के बाद ट्रैफिक आएगी, ट्रैफिक के बाद जो है हमारे गेम के अंदर ना पूरी की पूरी जो है 4 रेयर न्यू सुपर कार्स। मतलब गाइस पहला जो अपडेट है वो एक ही आएगा किसी एक का, नहीं तो 4 रेयर न्यू सुपर कार्स कहेंगे, नहीं तो ट्रैफिक मोड का आएगा, नहीं तो स्पीड टेस्ट का आएगा। पहले एक का आएगा, उसके बाद 2 अपडेट एक साथ आएगी। तो गाइस पहले अगर स्पीड टेस्ट आ गई उसके बाद ही ट्रैफिक मोड और 4 रेयर न्यू सुपर कार्स आएंगे, उसके साथ साथ ट्रैफिक मोड भी आ जाएगी। उसके बाद हमारे गेम के अंदर और एक 2 अपडेट्स बाकी है, वो अब 2 अपडेट्स ये कि हमारी गेम के अंदर अलग अलग कार्स के अलग अलग साउंड, अलग अलग सुपर कार्स के अलग अलग साउंड, और ये सारे लोग जो है ये बहुत ही ज्यादा लोग जो इसकी वेट करे इस अपडेट की। तो गाइस अलग अलग कार के अलग अलग साउंड चाहिए, मेरे को तभी ऐसे लगता है निसान जीटीआर चलाऊं भी तो एक ही साउंड आती है, नॉर्मल कोई कार चलाऊं तो एक ही साउंड आती है, और गाइस फटाके भी सारे कार मारती है यार, ऐसा लगता है नहीं कि कोई भी कार नहीं मार रही, सारे कार बिना ट्विन भी करो फिर भी फटाके मारती, पता नहीं इस गेम के अंदर क्या है, रियल कार फॉर सेल में ऐसा है कि नहीं मेरे को नहीं पता, पर इस गेम के अंदर है।
बाकी तो कैसे इस गेम के अंदर बहुत ही ज्यादा एड्स बढ़ चुके हैं, पता नहीं मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है इस गेम को अभी खेलना, फिर भी कैसे इस गेम को तो मैं प्ले तो करूंगा क्योंकि कैसे बहुत ही ज्यादा मेरे फेवरेट गेम है, पर कैसे इसमें बहुत ही ज्यादा एड्स को ऐड कर दिया गया। वापस गेम के डेवलपर को हमको वापस से बोलकर बोलना पड़ेगा कि गैस वापस से जो है आपको इसके एड जो है यहाँ पे वापस से रिमूव करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा कुछ एड्स को लगा दिया गया। जैसे मैं ड्रैग रेस में जाता हूँ किसी से ड्रैग रेस करने भी जाता हूँ तब भी ऐड आ जाती है, और गैस गलती से क्रॉस वाले बटन पे क्लिक करते करते गैस पूरी की स्नैपचैट खुल जाती है यार, प्ले स्टोर में चले जाता है डायरेक्ट, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता यार, पूरा प्ले स्टोर में चले जाता है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बीच में बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। तो ऐसे हमारे गेम के अंदर ये अपडेट्स तो आ रहे हैं और भी बहुत सारे फ्यूचर अपडेट्स हैं जो कि आप लोगों को कल वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। बाकी तो गाइस मैं तो स्पीड टेस्ट अपडेट की जो बहुत ही ज्यादा वेट कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से गाइस स्पीड टेस्ट अपडेट पहले आने वाली है क्योंकि गाइस हम में से बहुत लोगों का जो अपनी निसान GTR नहीं तो गाइस डॉज वाइपर नहीं तो फरारी XXX नहीं तो माज़दा X7 नहीं तो आपकी कोई भी फेवरेट कार होगी तो गाइस आपका जो उसको जो है बहुत ही ज्यादा मन भर रहा है कि गाइस उसकी जो स्पीड टेस्ट चेक करनी है, उसकी प्रॉपर स्पीड टेस्ट कितनी है, वो टॉप गाइस टॉप प्रॉपर उसकी स्पीड टेस्ट कितनी है, उसके पास पूरा चेक करना है। तो मेरे को अपनी निसान GTR बहुत ही ज्यादा फेवरेट है इस गेम के अंदर, तो मैंने अभी तक अपनी निसान GTR को फुल स्पीड नहीं भगाई है, अगर मैं थोड़ा भी स्पीड भगाता हूँ तो तुरंत आगे मैप एंड हो जाता है, नहीं तो कोई हाउस आ जाता है, नहीं तो कुछ ना कुछ आ जाता है, तो गाइस इसीलिए मैं इसको भगा नहीं पाता हूँ। अभी तक मैंने इसको पूरी की पूरी स्पीड में घुमाई है, शायद गाइस 320 नहीं तो 340 तक मैंने इसकी टॉप स्पीड भगाई ली है, पर पता नहीं इससे ज्यादा जाती है कि नहीं, इससे भी स्पीड जा सकती क्योंकि गाइस ये निसान GTR है, बहुत ही खतरनाक, मतलब गाइस बहुत ही खतरनाक जो स्पीड है सुपर कार मेरे को ऐसा लगता है। बाकी गाइस इस गेम के अंदर सुपरा भी गाइस बहुत ही ज्यादा अच्छी जो है भाग लेती है मेरे हिसाब से तो, और गाइस हमारे गेम के अंदर और भी बहुत सारे फ्यूचर अपडेट्स आने वाले जिसके सारे अपडेट्स की मैं जो वेट कर रहा हूँ कि पता नहीं अपडेट्स कब आएंगे, पर गाइस अभी तक जो है ऑफिस रीट मोड तो आ गया, अभी हमारे गेम के अंदर सिर्फ अपडेट्स की ये कमी है कि हमारे गेम के अंदर स्पीड टेस्ट आना बाकी है, ट्रॉफिक आने बाकी है, उसके साथ साथ 4 रेयर न्यू सुपर कार्स और अलग अलग कार्स के अलग अलग साउंड आने बाकी है, और गैरेज को थोड़ा बहुत इंप्रूव किया जाएगा, थोड़ा बहुत ही हमारे गेम का डेवलपर ने हमको बताया कि गाइस इसका लीक ज्यादा मत करना, फिर भी आप लोगों को मैंने बताया कि गाइस हमारे गेम के अंदर ये भी अपडेट आएगा, पर गाइस आप लोगों को मैं ये बता दूं अपडेट को थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, अगर आप लोगों को अपडेट जल्दी चाहिए, अगर आपको सारे के सारे अपडेट्स फटाफट से चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, आप लोगों को जो है प्ले स्टोर ओपन करना है, प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको अपनी गेम को सर्च कर लेना है, सर्च करने के बाद नीचे जाके आप जो इस गेम को जो है ना 5-star रेटिंग भी दे देना ताकि गाइस हमारे गेम के डेवलपर थोड़ा बहुत खुश हो जाए और अच्छे मोटिवेट में आ जाए, उसके बाद जो हमारे गेम के डेवलपर को जो है अपडेट्स लाने में भी एकदम मस्त फील होगा कि गाइस उनको जो अच्छा रिव्यू भी मिल रहा है, उसके वजह से जो हमारे गेम के अपडेट्स जो है बहुत ही ज्यादा जल्दी आ जाएगी, अगर उनके रिव्यूज कम रहेंगे और स्टार्स भी उनके कम रहेंगे तो जो है बहुत ही जल्दी वो अपडेट्स लाना जो उनको गाइस वो डीमोटिवेट हो जाएंगे, उसकी वजह से जो है वो अपडेट्स जो है लाना थोड़े बहुत लेट कर सकते हो। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइस।